मित्रों, आज मैं मानव शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची की ओर से रांची विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विषय के पीजी कोर्स के पेपर कोड ECANT 402D तथा यूजी कोर्स के ऑनर्स पेपर कोड DSC 3 के एक महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, व्याख्यान का विषय है प्रभु जाति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। अगर भारतीय जाति व्यवस्था को जानना है तो हमें इसके विभिन्न आयामों को जानना होगा, और इसके विभिन्न आयामों में एक है प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। मानव विज्ञान में इस महत्वपूर्ण अवधारणा, यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा भी है, और इस महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन MN श्रीनिवास ने किया। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन MN श्रीनिवास ने अपने एक शोध पत्र डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी, में किया था। MN श्रीनिवास ने कर्नाटक के रामपुरा गांव में फील्ड वर्क क्षेत्र कार्य किया, और इस क्षेत्र कार्य के द्वारा MN श्रीनिवास ने भारतीय मानव शास्त्र में प्रभु जाति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा के माध्यम से MN श्रीनिवास ने भारत के जाति व्यवस्था पर नवीन प्रकाश डालने का प्रयास किया है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे कि MN श्रीनिवास ने कर्नाटक के रामपुरा गांव में किस प्रकार अध्ययन कर प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। मित्रों, उन्होंने रामपुरा गांव के ओकालिंगा जाति का अध्ययन किया, जो वहां प्रभु जाति के रूप में विद्यमान थी। उन्होंने उस समय रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या, उन्होंने MN श्रीनिवास ने उस समय बताया कि रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या 1523 थी, जिसमें से ओकालिंगा जाति की जनसंख्या 735 थी, या उस समय के जनगणना 1948 के आधार पर आधारित था। इस प्रकार MN श्रीनिवास ने पाया कि रामपुरा गांव में सबसे अधिक जनसंख्या ओकालिंगा जाति की थी। इस प्रकार इस गांव में रहकर MN श्रीनिवास ने इस जाति का अध्ययन किया। चूंकि MN श्रीनिवास ने सर्वप्रथम प्रभु जाति का अध्ययन किया था, इसलिए उनके अनुसार प्रभु जाति क्या है, यह जानने का हम प्रयास करते हैं। उन्होंने प्रभु जाति को प्रभु बनाने वाले विभिन्न कारकों को बताते हुए कहा है कि प्रभु जाति से आशय उस जाति से है जिस जाति की जनसंख्या यथेष्ट हो, अर्थात उस क्षेत्र विशेष में या उस गांव में उस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक हो, साथ ही साथ उस जाति का भूमि पर स्वामित्व सर्वाधिक हो, एवं प्रभु जाति का जाति पद सोपान में उच्च स्थान हो। यानी इस तरह MN श्रीनिवास ने सबसे पहले प्रभु जाति की इन तीन विशेषताओं को बतलाया, जिसके आधार पर कोई जाति किसी ग्राम में प्रभुता की स्थापना करती है। और उनके अनुसार किसी जाति का प्रभु जाति होने में ये तीन महत्वपूर्ण कारक महत्वपूर्ण है कि वे जाति उस गांव में संख्यात्मक बल के आधार पर सबसे ज़्यादा हो, सर्वाधिक हो, साथ ही साथ भूमि का स्वामित्व सर्वाधिक हो उस जाति का, एवं वे जाति जाति सोपानकरण में उच्च स्थान रखता हो, हायर पोजिशन इन कास्ट हायरार्की रखता हो। आगे अपने ही इस अध्ययन में जब उन्होंने प्रभु जाति की को और भी विस्तार से अध्ययन किया, तो उन्होंने इसके अतिरिक्त, इन तीन कारकों के अतिरिक्त, कुछ और भी विशेषताओं को पहचाना, जिसके आधार पर किसी गांव में एक जाति प्रभुता की स्थापना करती है, जिनमें उन्होंने बाद में जिन महत्वपूर्ण कारकों को प्रभु जाति के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा, वे हैं आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। उस जाति का किसी गांव में अगर आधुनिक शिक्षा से जुड़ाव अधिक हो तो वे भी प्रभुता की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ अगला महत्वपूर्ण कारक जो उन्होंने पाया, वह है प्रशासन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। उस जाति का प्रशासन में भागीदारी ज़्यादा होती है। एवं अगला महत्वपूर्ण कारक उन्होंने पाया कि वह प्रभु जाति का राजनीतिक पहुंच अत्यधिक रहता है, अर्थात उनका पॉलिटिकल पावर अधिक रहता है। साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि को भी उन्होंने प्रभु जाति के एक कारक के रूप में पाया, अर्थात उस जाति
कोई जाति प्रबल तभी होंगी जब उसका इकोनॉमिक डोमिनेंस हो या वेल्दी हो। इस प्रकार ये सभी विशेषताएं एवं कारक प्रभु जाति का निर्धारण करते हैं। और इस प्रकार प्रभु जाति का आशय ग्रामीण समाज में ऐसी जातियों से है जो जातियां इन आधारों पर अपनी प्रभुता की स्थापना करती है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जाति जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसकी एक वास्तविकता है, और इस प्रकार से प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय मानव विज्ञान में एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मित्रों, इसके बाद विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों के प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट का अध्ययन किया। इस संदर्भ में कई केस अध्ययन उल्लेखनीय हैं, जिनमें पहला नाम आता है आंद्रे बेते, जिन्होंने तमिलनाडु के तंजावर जिले के श्रीपुरम गांव में ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति के रूप में देखा। इसी प्रकार ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव जो यूपी में है वहां जाट जाति को प्रभु जाति के रूप में स्थापित किया पाया। इसी प्रकार हिचकॉक ने खल्लापुर गांव, वो भी जो यूपी में ही है, इसमें उन्होंने राजपूत जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। आगे डीएन मजुमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किया जो यूपी में है, इसका अध्ययन किया और यहां पाया कि राजपूत जाति यहां भी प्रबल जाति के रूप में है। इसके बाद एक नया केस स्टडी है एन शुक्ला का, जिन्होंने बिहार के भागलपुर जिला के झुमको गांव का अध्ययन किया और पाया कि यादव जाति यहां प्रभु जाति के रूप में है। इस प्रकार इन केस स्टडीज के माध्यम से भी डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा को समझा जा सकता है। इन अध्ययनों से यह ज्ञात हो रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में प्रभु जाति की अवधारणा एक वास्तविक अवधारणा है, और बिना प्रभु जाति की अवधारणा को समझे हम भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए अगर प्रभु जाति का हम एक लिस्ट तैयार करें, लिस्ट बनाएं, तो हम पाते हैं कि कर्नाटक में ओकालिंगा जाति, आंध्र प्रदेश में कम्मा एवं रेड्डी जाति, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, राजस्थान में राजपूत, हरियाणा में जाट, पश्चिम यूपी में जाट, यूपी के अन्य क्षेत्रों में राजपूत, यादव, कुर्मी, कोयरी, बिहार में राजपूत, भूमिहार, यादव, कोयरी, कुर्मी, ये जातियाँ प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट के रूप में हैं। और इसलिए जब भी हम जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करें तो हमें प्रभु जाति की अवधारणा को भी समझनी पड़ती है। इसे समझे बिना हम भारत में जाति व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इस प्रकार प्रभु जाति भारतीय ग्रामीण समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। मित्रों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे प्रभु जाति की भूमिका क्या है, रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट। इसके कई एक जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं उनमें राजनीतिक भूमिका, पॉलिटिकल रोल, आर्थिक भूमिका, इकोनॉमिक रोल तथा सामाजिक भूमिका, सोशल रोल, और कल्चरल भूमिका, कल्चरल रोल। ये चार महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जिनमें राजनीतिक भूमिका, पॉलिटिकल रोल के अंतर्गत हम लोग पाते हैं प्रभु जाति एक गाँव में मानक व्यवहार प्रतिमान का निर्धारण करती है, एक स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न का निर्धारण करती है, जिससे ये स्वयं तो पालन करती ही है, साथ ही साथ गाँव के अन्य जातियाँ भी उस व्यवहार प्रतिमान को का पालन करती है। इसके बाद राजनीतिक भूमिका में ही हम देखते हैं कि प्रभु जाति के लोग गाँव में न्याय निर्णय की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात गांव में अगर कोई विवाद होता है तो प्रभु जाति के लोग ही उस विवाद निपटारा में मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाते हैं। इसके राजनीतिक भूमिका का को में F.G. बेली, एक मानव शास्त्री, वे कहते हैं कि प्रभु जाति सरकार के विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि प्रभु जाति के लोगों के साथ प्रशासन एवं चूँकि प्रभु जाति के लोगों का प्रशासन एवं प्रशासक के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए प्रशासक भी प्रभु जाति का सहारा विकासात्मक कार्यों के संचालन के लिए लेते हैं। इतना ही नहीं, लोकतांत्रिक राजनीति में भी प्रभु जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पंचायती राज के स्तर में जितने सामान्य वर्ग के सीट होते हैं उस पर प्रभु जातियाँ के लोग चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं एवं चुनाव में वो निर्वाचित भी होते हैं। साथ ही पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में वोटिंग बिहेवियर को भी प्रभु जाति के सदस्य प्रभावित भी करते हैं। इसके बाद अगर आर्थिक भूमिका हम देखें, प्रभु जाति की आर्थिक भूमिकाओं में हम देखते हैं कि प्रभु जाति का भूमि पर स्वामित्व अधिक होता है। किसी गांव में जो कृषि भूमि है उस पर सर्वाधिक स्वामित्व प्रभु जाति के लोगों का होता है। साथ ही साथ F.G. बेली
गैर कहते हैं कि जो गांव में जो गैर प्रभु प्रभु जातियां होती है या निम्न जातियां होती है, वे लोग प्रभु जाति के खेतों में रोजगार पाते हैं। इस प्रकार प्रभु जाति के लोग गांव में निम्न जातियों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह आर्थिक भूमिका इनका स्पष्ट दिखता है। लेकिन दूसरी ओर एफ जी बेली यह भी कहते हैं कि कहीं कहीं प्रभु जाति के लोग इन गैर प्रभु जातियों एवं निम्न जातियों का शोषण भी करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण भारत में आर्थिक अवसर का लाभ भी मुख्य रूप से प्रभु जातियाँ ही उठाती हैं। इसलिए ग्रामीण व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में प्रभु जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद सोशल रोल, इन प्रभु जाति का जो सामाजिक भूमिका है उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि प्रभु जाति के सदस्य परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, जैसे जाति व्यवस्था को बनाए रखना, जजमानी व्यवस्था को बनाए रखना, जाति पद सोपानकरण में पद सोपान को मेंटेन करना, साथ ही साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भी प्रभु जाति के सदस्य पक्षधर होते हैं। इसके साथ साथ प्रभु जाति निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने का भी कार्य करती है ताकि वह उनके सामाजिक स्तर को चुनौती न दे सके। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक भूमिका, प्रभु जातियों की जो सांस्कृतिक भूमिका है वहाँ हम पाते हैं कि प्रभु जाति परंपरागत संस्कृति को, ट्रेडिशनल कल्चर को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसलिए वे मिथक एवं अंधविश्वासों में विश्वास को बनाए रखती है, धार्मिक कार्यों का नेतृत्व प्रदान करती है। गाँव में जो धार्मिक कार्य होते हैं, ग्रामीण भारत में प्रभु जाति के बच्चे एवं सदस्य ही धार्मिक अनुष्ठानों को नेतृत्व देने का भी कार्य करते हैं तथा निम्न जातियों के संस्कृतिकरण के विरोध का प्रयास करती है। प्रभु जाति के लोग निम्न जातियों के संस्कृतिकरण के विरोध का प्रयास इसलिए करती है क्योंकि प्रभु जाति कभी नहीं चाहती है कि निम्न जाति उच्च होने का दावा पेश करे। इस प्रकार हम डोमिनेंट कास्ट के विभिन्न भूमिकाओं से हम यह पाते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय ग्रामीण समाज में एक वास्तविकता है और इसकी भूमिका भी भारतीय ग्रामीण समाज में, जाति व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमें डोमिनेंट कास्ट के आलोचना को भी ध्यान में रखना चाहिए। निम्न मानवशास्त्रियों ने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना भी की है, जिसमें सर्वप्रथम एससी दुबे ने कहा है कि वास्तव में प्रभु जाति नहीं होती बल्कि प्रभु व्यक्ति होता है या समूह होता है, क्योंकि प्रभु जाति के जो प्रभु व्यक्ति होते हैं वे न केवल गैर प्रभु जाति के लोगों का शोषण करता है बल्कि अपने जाति के भी गरीब लोगों का शोषण करता है। इसलिए प्रभु जाति की जो अवधारणा है वह पूरी तरह से सही नहीं है। इसके बाद डीएन मजुमदार ने मोहना गांव का अध्ययन कर उन्होंने कहा है कि वहाँ चमार की जनसंख्या 23.4% है और राजपूत की जनसंख्या 21.5%। बावजूद राजपूत के पास अधिकांश भूमि का स्वामित्व है, इसलिए जनसंख्या में ज़्यादा होने के बावजूद भी चमार जाति वहाँ प्रभु जाति के रूप में नहीं है बल्कि भूमि पर स्वामित्व ज़्यादा होने के कारण राजपूत जाति वहाँ प्रभुता को स्थापित करते हैं। इस प्रकार डीएन मजुमदार कह रहे हैं कि प्रभुता को स्थापित करने के न केवल जनसंख्या अधिक होनी चाहिए बल्कि भूमि का स्वामित्व भी होना चाहिए। अगर किसी जाति की जनसंख्या अधिक है और भूमि पर स्वामित्व कम है तो वह प्रभु जाति नहीं बन सकती है। इसलिए प्रभुता के निर्धारण में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रभुता केवल जनसंख्या एवं पद सोपानकरण से ही नहीं होगा। इस प्रकार डीएन मजुमदार ने प्रभु जाति की संकल्पना की आलोचना की है। इसके बाद एंथनी कार्टर आलोचना करते हुए कहते हैं कि चूंकि राजनीतिक रूप में संगठित व्यवहार, प्रभु जाति राजनीतिक रूप में संगठित व्यवहार नहीं करती है, इसलिए जाति से प्रभु शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। इसके बाद हाल के दिनों में दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि आज के दिनों में गांवों से प्रभु जाति के लोग प्रवचन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु जाति की अवधारणा को पुनर्मूल्यांकित करने की भी आवश्यकता है। तो मित्रों, अंत में निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष तो यह कह सकते हैं कि प्रभु जाति की अवधारणा की कुछ निश्चित सीमाएं जरूर हैं, परंतु इन सीमाओं के बावजूद प्रभु जाति आज भी भारतीय ग्राम की एक वास्तविकता है। हालांकि उनके प्रभुता के जो आयाम हैं उनमें कई तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर जरूर हो रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रभु जाति जाति व्यवस्था को समझने के लिए काफ़ी आवश्यक अवधारणा है और मानव शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में विकसित हुई है।
यह एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मानव शास्त्र में स्थापित है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।